मेटल यूज करते हैं उसी मेटल की चद्दर की सहायता से हम आज अपना लैंप बनाएंगे बिना वेल्डिंग के। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु, वेलकम टू कार्ड एंड हथकरघा। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आप इसको सीखना चाहते हैं। एंजॉय दिस माय वीडियो। मैं अपने वर्किंग रूम में आ चुका हूँ। ये मेरी छोटी सी होमवर्क शॉप है जहाँ मैं अपने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये मेरे कुछ टूल्स हैं। हमारी वीडियो का एक पार्ट हमने पहले ही बना लिया है इस चद्दर की सहायता से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। लैंप बनाने के लिए हमें एक मेटल की चद्दर चाहिएगी जिसके एक हिस्से से हमने अपना एक पार्ट बना लिया है। दूसरे हिस्से से हम इसके बीच का बेस बनाएंगे। तीसरे हिस्से से हम इसके नीचे का। अपने काम को शुरू करने से पहले हम अपने सेफ्टी टूल डालेंगे जिसमें एक गॉगल, एक मास्क और एक हैंड ग्लव्स है। अपने सेफ्टी टूल डालने के बाद अब हम अपने पहले बेस की गोलाई का माप लेंगे जिससे हम अपने दूसरे बेस को बनाएंगे। माप लेने के लिए मैंने इसमें धागे का यूज किया है। अगर आपके पास फीता या धागा कुछ भी हो आप इन दोनों में से किसी से भी माप ले सकते हैं। माप लेने के बाद अब हम अपनी चद्दर पे निशान लगाएंगे। आप निशान लगाने के लिए स्केच पेन या मार्कर या पेंसिल का यूज भी कर सकते हैं। अब हम पूरी चद्दर पे इस निशान को लगाएंगे। निशान सीधा होना चाहिए ताकि कटिंग टेढ़ी मेढ़ी ना हो। कटिंग करने के लिए हम इसके अंदर ग्राइंडर कटर का यूज करेंगे। निशान पूरी तरीके से लग चुका है। अब हम इसके अंदर सी क्लैंप बांधेंगे। सी क्लैंप को टाइट इसलिए किया जाता है ताकि चद्दर इधर उधर हिले नहीं, वो अपनी जगह पे ही रहे और चोट लगने का खतरा ना हो। सी क्लैंप बांधने के बाद अब हम इसकी कटिंग करनी शुरू करेंगे। कटिंग करते समय अपने सेफ्टी टूल जरूर डालें। कटिंग करने के बाद अब हम इसे दो हथौड़ियों की सहायता से इसके साइड के कोनों से इसे पीटना शुरू करेंगे। अगर आपके पास एक हथौड़ा या छोटी हथौड़ी है तब भी आप इसे बना सकते हैं। अब हम इसे तब तक साइडों से पीटेंगे जब तक ये अपने गोलाकार में ना आ जाए।
अब हम ग्राइंडर कटर की सहायता से इस डंडे पे वी शेप में कट मारेंगे। इसके अंदर हम 5 कट मारेंगे। कट मारने के बाद अब हम इसे धीरे धीरे मेटल को निकाल के मोड़ लेंगे। मोड़ते समय आप इसकी गोलाई का ध्यान रखें। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मोड़ने के बाद हम इसके अंदर इसके पहले बेस को लगा के चेक करेंगे कि वो उसकी गोलाई में आ रहा है या नहीं। चेक करने के बाद अब हम इसके तीसरे बेस का नाप लेंगे। ये नाप हम फीते की सहायता से ले रहे हैं, आप चाहे तो धागे से भी ले सकते हैं। माप लेने के बाद हम इस पे निशान लगाएंगे। इसके चारों कोनों पे निशान लगाने के बाद हम एक स्केल की सहायता से इन पे लाइन मारेंगे ताकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ये हमारा तीसरा बेस है जिसको हमें बिल्कुल सीधा बनाना है। स्केल की सहायता से इस पर निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। काटने के बाद अब हम इसे चोरसी की सहायता से इसके ऊपर निशान लगा रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे माप के जितना चाहिए वहाँ पे स्केच पेन या मार्कर की सहायता से निशान लगा के उस इससे पे चोट मार के भी इसे तैयार कर सकते हैं। हम निशान लगा के हम इसे चोट मार के तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद अब हम इसके अंदर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम तीनों पीस को लगा के एक बार चेक करेंगे। इसके दूसरे पार्ट में हमने वायरिंग डाल ली है और तीसरे पार्ट के अंदर कट मार लिया है। अब हम इसके दूसरे और तीसरे पार्ट को पहले पेस्टिंग ट्यूब की सहायता से जोड़ेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे के अंदर लगाने के बाद इसे सेट करके इसके साइडों में पेस्टिंग ट्यूब लगाएंगे। पेस्टिंग ट्यूब धीरे धीरे इसके अंदर तक लगाएंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। We'll be right back.
अब हम इसमें वायरिंग कटिंग करेंगे। वायरिंग कटिंग के लिए हमने प्लास का इस्तेमाल किया है। कटिंग करके तार मेटल को निकाल के अब हम इसके लाइट होल्डर के साथ इसे अटैच करेंगे। होल्डर के साथ अटैच करने के बाद अब हम इसके अंदर तार डाल के उसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद होल्डर को उसके कैप के साथ लॉक कर देंगे। इसको जोड़ने के लिए हमने ये तीन पत्तियाँ बनाई हैं। स्विच बोर्ड खोल के इसके अंदर हम अपनी पहली पत्ती डालेंगे और बाद में स्विच बोर्ड टाइट कर देंगे। उसके बाद हम अपना लैंप इस पे लगाएंगे। अगर आपका ऑटो बॉडी या हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तीनों पत्ती सेट करने के बाद अब हम इसमें इसकी तार लगाएंगे। तार लगाने के बाद हम इसमें LED बल्ब लगा रहे हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल कार डेंटर ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।